Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Friends, today I will discuss about the second video of the UPSC preliminary mock test series. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी और फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन मिक्स रहेंगे जैसे आपके यूपीएससी प्रीलिमिनरी में आते हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं रहेगा. स्टार्ट करते हैं 11वें क्वेश्चन से. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सिस्मिक वेव. सिस्मिक वेव के बारे में क्वेश्चन है. फर्स्ट है द पी वेव प्राइमरी वेव ट्रेवल थ्रू द गैसेज लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल. सेकंड है द शैडो जोन ऑफ द एस वेव इज लार्जर देन दैट ऑफ द पी वेव. शैडो जोन है क्या इसकी लार्जर रहती है पी वेव से. थर्ड है द पी वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन वाइल एस वेव वाइब्रेट टू द इट पैरेलल टू इट. मतलब जो पी वेव हैं क्या परपेंडिकुलर चलती हैं और एस वेव पैरेलल चलती हैं. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए. और फ्रेंड्स आप साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. फर्स्ट है इसका ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. सिस्मिक वेव आर वेव ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू अर्थ लेयर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन दी अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ दी अर्थक्वेक. मान लो भूचाल आता है, अर्थक्वेक आता है जैसे, तो उसमें क्या वेव ट्रांसफ़र करते हैं जो सिस्मिक वेव बोलते हैं उनको. एक लेयर से नीचे की लेयर से ऊपर की लेयर जाती है. वोल्केनिक इरप्शन होता है तब जाती हैं, या लार्ज लैंड स्लाइड्स होता है जैसे कोई भारी टुकड़ा गिरता है पृथ्वी का के ऊपर. और दे आर क्लासिफाइड एज ए बॉडी वेव एंड सरफेस वेव. बॉडी वेव या बोल दो या सरफेस वेव बोल देते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. देर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉडी वेव्स, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव. पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर दी फर्स्ट टू अराइव एट दी सरफेस. प्राइमरी वेव पहले जाती हैं, फास्ट चलती हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड दी प्राइमरी वेव. द पी वेव आल्सो सिमिलर टू दी साउंड वेव. साउंड वेव की तरह ध्वनि की तरह ही रहते हैं. दे ट्रेवल थ्रू दी गैसेज लिक्विड सॉलिड मटेरियल. मतलब ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल करते हैं, वैसे ही साउंड वेव ट्रैवल करती है. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. एस वेव डू नॉट ट्रैवल थ्रू द लिक्विड एंड गैसेस. एस वेव है लिक्विड और गैस से नहीं जाती, बस आपका सॉलिड से जाती है. तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि एस वेव सॉलिड वेव में चलती है कि नहीं, सॉलिड मटेरियल में चलती है या नहीं. एज द मेंटल एंड आउटर कोर आर इन द लिक्विड स्टेट. जो अपने मेंटल है अर्थ के अंदर का, तो ऊपर क्रस्ट होता है, क्रस्ट के अंदर मेंटल है, इनर कोर है, आउटर कोर है. तो ये जो मेंटल है, इज द मेंटल एंड आउटर कोर इन द लिक्विड स्टेट. मेंटल और आउटर लेयर लिक्विड स्टेट में रहते हैं. द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव. तो 105 डिग्री से बियॉन्ड है जो आगे है वो रिसीव नहीं करेगी एस वेव. एंड द जोन इज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन ऑफ द एस वेव. तो उसको शैडो जोन बोलते हैं, 105 डिग्री से जो परे है. द शैडो जोन ऑफ द पी वेव अपीयर्स एज ए बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 डिग्री टू एंड 145 अवे फ्रॉम दी एपिसेंटर. एपिसेंटर होता है जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, तो उसको ही शैडो वेव बोलते हैं, शैडो एरिया बोलते हैं. सिंस पी वेव ट्रेवल थ्रू दी गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड व्हेन इट्स मूव थ्रू दी मीडियम. आपको पता है कि रिफ्रैक्शन होता है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, तो इलास्टिसिटी रहती है क्योंकि डिफरेंट मीडियम की. दिस रिफ्रैक्शन कॉज पी वेव शैडो जोन्स टू अपीयर एज ए बैंड. तो इसको अपीयर एज ए बैंड की तरह अपीयर होती है. हैंस द शैडो जोन ऑफ द एस वेव इज लार्जर देन द पी वेव. तो जो शैडो जोन है जो एस वेव की ज़्यादा रहती है पी वेव के कंपैरिजन में. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. प्राइमरी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. प्राइमरी मीन्स पी से पैरेलल, और पी से आप प्राइमरी याद रख सकते हैं. दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन. The direction of the vibration of the S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. They create troughs, crust in the material through the which they pass. Troughs और crust इनको बोलते हैं. ये trough है, ये crust है. Crust इसको बोलते हैं, ये trough बोलते हैं नीचे वाले को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. with regards to the 15th Finance Commission, consider the following statement. 15वें फाइनेंस कमीशन के बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट है इट reduce the weightage of the income distance criteria for devolution of the funds to the states. क्या है, जैसे इसने वेटेज को रिड्यूस किया गया इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया फॉर द डिवेल्यूशन. मतलब फाइनेंस कमीशन का काम होता है अलोकेशन फंड करता है, स्टेट्स को प्रदान करता है जो अपना टैक्स इकट्ठा होता है उससे. तो उसमें वेटेज दिया गया क्या इनकम, कितनी इनकम कहाँ के बंदों के ज़्यादा है. सेकेंड है देयर वाज ए लार्जेस्ट डिक्रीज इन द शेयर ऑफ द डिविजल पूल ऑफ फॉर द स्टेट्स ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु. तो इनमें से बहुत बड़ा डिक्रीज हुआ क्या केरला एंड तमिलनाडु के शेयर्स में. थर्ड है इट हैज़ रिकमेंडेड 41% ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस टू द स्टेट्स विच इज़ हायर दैन दैट 14th फाइनेंस कमीशन. तो उन्होंने क्या है 41% स्टेट्स को टैक्स देने की बात की गई है जो पहले 14th फाइनेंस कमीशन में ज़्यादा था. क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. 15वें फाइनेंस कमीशन के बारे में स्टेटमेंट है. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. द वेटेज ऑफ द इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया फॉर डिवेल्यूशन ऑफ द फंड्स टू द स्टेट्स हैज़ बीन रिड्यूस बाई 5% पॉइंट. मतलब इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया को डिवेल्युएट कर दिया गया, फंड्स टू स्टेट्स है वो रिड्यूस कर दिया गया है. पहले क्राइटेरिया ज़्यादा था 5% रिड्यूस कर दिया 5% पॉइंट्स. द फॉलोइंग टेबल शोज वेटेज ऑफ द क्राइटेरिया. तो ये क्राइटेरिया है जो 14 फाइनेंस कमीशन में क्या क्राइटेरिया था, 15 फाइनेंस कमीशन में क्या क्राइटेरिया था. जैसे इनकम डिस्टेंस है पहले 50% था 14 फाइनेंस कमीशन में, 50 फाइनेंस कमीशन में 45 हो गया, 5 पॉइंट कम कर दिया गया है. पॉपुलेशन है यहाँ 17.5 था, अभी पॉपुलेशन के बेस पे कोई फंड एलोकेशन नहीं हो रहा 15 फाइनेंस कमीशन में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉपुलेशन जैसे 1971 की बात है, अब 2011 की जो जनगणना हुई थी उस पर ये 10% मिल रहा है, ये 15% पे मिल रहा है. मतलब 2011 की जो सेंसिस हुई थी उसके बेस पे इसका बढ़ा दिया गया, पहले कम था अब मतलब जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा मिल रहा है 2011 के हिसाब से. 71 के हिसाब से अब कुछ एलोकेट नहीं होता है. एरिया के हिसाब से 15% है. फॉरेस्ट कवर के हिसाब से अब कुछ नहीं है, पहले 7.5 था. फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के हिसाब से पहले था, अब कुछ नहीं है. एंड डेमोग्राफिक के हिसाब से 12.5 था पहले, अब नहीं है. टैक्स एफर्ट के हिसाब से 2.5 पहले था, अब नहीं है. टैक्स के टोटल मतलब 100% है. तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. कर्नाटका एंड केरला हैज़ द लार्जेस्ट डिक्रीज इन दी शेयर्स ऑफ द डिविजल पूल ऑफ द डिक्रीज 0.49 एंड 0.25 रेस्पेक्टिवली, नॉट तमिलनाडु. तो इसमें कर्नाटका एंड केरला का जो है डिविजल पूल ऑफ टैक्स मतलब उनसे कितना पैसा मिल रहा है जो फाइनेंस कमीशन उनको लोकेट कर रहा है, तो ज़्यादा डिक्रीज हुआ है. कर्नाटका में 0.49 और केरला में 0.25. फॉर तमिलनाडु द शेयर डिविजल पूल टैक्स हैज स्लाइटली इंक्रीज. तमिलनाडु का तो 0.17% इंक्रीज हुआ है. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फॉर 2020-21 द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड ए टोटल डिवोल्यूशन ऑफ द 41% ऑफ द डिविजल टैक्सेस. मतलब जो 2021 में है 41% कर दिया गया है डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस है, जो मतलब डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस में जाते हैं उससे 41% स्टेट्स को देगा. फिर 15 फाइनेंस कमीशन की बात है. दैट इज़ 1% लोअर दैन दी परसेंटेज इन दी 14th फाइनेंस कमीशन में 42% मिलता था, अब 41 हो गया 15th में. दिस इज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा फंड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. तो पहले 15 फाइनेंस कमीशन में 42% मिलता था, अब 41 है क्योंकि जो 1% पैसा JNK एंड लद्दाख के लिए बचा के रखा है. और इसीलिए साउथ इंडियंस जो स्टेट हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारा टैक्स तो कम मिलेगा हमें, डिविजल पूल जो फंड है कम मिलेगा, क्योंकि अब पॉपुलेशन को पहले 10% में काउंट कर रहे थे अब 15 पॉइंट में काउंट कर रहे हैं. इसलिए वे इससे खुश नहीं थे क्योंकि इसका मतलब जो जहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ ज़्यादा फंड मिलेगा. और हम वो कहते हैं साउथ इंडियन जो भी हैं वहाँ पे तो बोल रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो हमें डिविजल पूल ऑफ टैक्स से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मारू-गुर्जरा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन द मेडिवल इंडिया. तो मारू-गुर्जरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है जो मध्यकालीन भारत में थी उसके बारे में स्टेटमेंट. ब्लैक बेसाल्ट एंड द सॉफ्ट मार्बल वर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल. ब्लैक बेसाल्ट और सॉफ्ट मार्बल यूज किया जाता है क्या कंस्ट्रक्शन टेम्पल में. सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ द स्टेप टैंक इज ए यूनिक फीचर ऑफ द स्टाइल. सीडीओ वाला टैंक है क्या इसमें. थर्ड है इट वाज ए पैटर्नाइज बाय द सोलंकी रूरल. सोलंकी ने पैटर्नाइज किया था. फोर है इक्तासुरा महादेव टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है सेकंड एंड फोर्थ, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। मारू-गुजरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आल्सो नोन एज द सोलंकी स्कूल, मतलब सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हुआ था। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ए वेराइटी ऑफ मटेरियल वर यूज टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल अंडर द स्टाइल, सैंडस्टोन, ब्लैक बेसाल्ट एंड सॉफ्ट मार्बल यूज होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनिक फीचर ऑफ दिस स्टाइल इज द प्रेजेंस ऑफ द स्टेप टैंक नोन एज द सूर्यकुंड इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ द टेम्पल, सूर्यकुंड मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्टाइल वॉज पैटर्नाइज बाई द सोलंकी रूरल्स इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंक्लूडिंग गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात एंड राजस्थान में मिलता है, सोलंकी स्टाइल बोलते हैं इसको। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द एकतासरो महादेव टेम्पल आल्सो नोन एज द चौसठ योगिनी टेम्पल मितौली इन मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी, जो मोरेना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है मिलता है, वॉज बिल्ट बाय द कंचन गप्टा किंग ऑफ देवपाला। तो देवपाला किंग के जो कचाच गपट्टा पगट्टा, ये थोड़ा नेम इसका अटपटा सा है, तो आप इसको प्रोनाउंस अपने तरीके से कर लेना। तो इस किंग की वजह से ही बना था। द टेम्पल इज़ फेमस फॉर द सर्कुलर आर्किटेक्चर इज़ नॉट एग्जांपल ऑफ द मारू-गुजरा, तो ये मारू-गुजरा के लिए फेमस नहीं है। मोधेरा सन टेम्पल इज़ गुजरात इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मारू-गुजरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो गुजरात में मोधेरा में सन टेम्पल है जो मारू-गुजरा स्टाइल का है, और जो एमपी में है ये इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज और आर अवेलेबल फॉर द इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन के लिए ये फंडामेंटल राइट हैं, कौन कौन से हैं या नहीं हैं आपको ये बताना है। तो जो सिटीजन फॉरेन सिटीजन के लिए अवेलेबल है या नहीं है, फर्स्ट है राइट टू स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक क्या फॉरेनर कर सकते हैं। सेकंड है राइट टू फ्री प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना। थर्ड है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। फोर्थ है राइट टू प्रोपोगेट प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज का प्रोटेक्शन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड फोर्थ, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ, चारों ठीक हैं। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। In India, there are the citizen fundamental rights. They are available to the both citizen of India and foreigner को, दोनों को present जो Indian territory में उनको available हैं। First statement incorrect है, क्योंकि strike तो Indian ही कर सकते हैं, foreigner नहीं कर सकते हैं। Article 19(1) clause A में दिया हुआ right to freedom of speech and expression, तो इनको foreigner को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। Supreme Court held that right to demonstration or picketing is available to Indian citizen but not the right to strike. तो स्ट्राइक करने का तो क्या है, इंडियन को भी अवेलेबल नहीं है ये फैसिलिटी, बट क्या है पिकेटिंग या डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, स्ट्राइक नहीं कर सकते। सिमिलर आर्टिकल 19 क्लोज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन गारंटीड इंडियन सिटीजन टू राइट टू एन एसोसिएशन और यूनियन, अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, क्लोज सी में दिया हुआ है। बट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट यूनियन डज नॉट हैव राइट टू स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक किसी के पास है नहीं, यूनियन के पास, और फॉरनर को तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट। अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू फ्री प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन इन इंडिया अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स, मतलब धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार इंडियन को भी है, फॉरनर को, दोनों को भी है। तो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है इट इंक्लूड्स ट्रांसमिशन एंड डिसमिशन ऑफ द वन रिलीजन बिलीव टू अदर, एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेंट्स ऑन द वन रिलीजन। तो मतलब टेनेंट्स अपने जो सिद्धांत है उस धर्म के आगे बढ़ाने की फ्रीडम है, बट ये नहीं है कि उनको कन्वर्जन किया जाए, धर्म को परिवर्तन किया जाए फोर्सफुली या पैसा दे के, लुभावन दे के, फोर्सेबल कन्वर्जन इसमें काउंट नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 21 क्लोज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज अवेलेबल टू ऑल, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है सबको मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन। इट डिक्लेयर्स दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज ऑफ दी 6 to 14 years, 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 21A में है, तभी तो आदमी डिग्निटी से लाइफ जी पाएगा, एजुकेशन होगी। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 2002 में फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था आर्टिकल 21 क्लोज ए में। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली इंडियन सिटीजन हैव राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का राइट आर्टिकल 29 में लिखा गया है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी जो कम जनसंख्या में आदमी हैं तो उनको प्रोटेक्ट कर सकें। अकॉर्डिंग टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रेजिडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ देयर हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो उनके पास राइट है कंजर्व करने का अपना आर्टिकल 29 में, पर ये फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द मेथडोलॉजी यूज इन द कोल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है कोल प्रिपरेशन यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड अनवारंटेड मिनरल इन कोल्स। कोल जो प्रिपेयर किया जाता है इम्प्योरिटी एंड जो अनवारंटेड मिनरल रहते हैं कोल में उसके लिए। सेकंड है बर्निंग द कोल कैन अवॉइड ऑल टुगेदर यूजिंग द गैसिफिकेशन टेक्निक, जो कोल को बर्न करने से बचा जा सकता है गैसिफिकेशन टेक्निक से। थर्ड है रिमूवल ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज डन यूजिंग वेट स्क्रबर्स, तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या वेट स्क्रबर से हटाया जा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है थर्ड ओनली, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी was uses multiple techniques to clean coal and thus contain its emission. Statement 1 correct है। In coal preparation, coal is washed to remove impurities. कोल को कोयलों को क्या है धोया जाता है। Unwanted minerals from the coal is also crushed and mixed to liquid to allow impurities to separate. तो जो unwanted चीज़ है उनको क्रश किया जाता है और उनको ऐसे किया जाएगा कि पानी में वो बैठ जाएं नीचे। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द गैसिफिकेशन टेक्निक स्टीम्स एंड हॉट प्रेशराइज एयर और ऑक्सीजन आर मेड टू कंबाइन विद द कोल, तो हॉट एयर को कंबाइन किया जाता है कोल के साथ। विच रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ द कार्बन मोलिक्यूल्स अपार्ट, तो वहाँ से कार्बन मोलिक्यूल अलग हो जाएंगे। इट रिजल्ट्स एज सीन गैस एज मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट फर्दर कैन बी क्लीन एंड बर्न इन ए गैस टर्बाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। Hence, using gasification technique, the burning of the coal can be avoided altogether. Third statement correct है। Using the wet scrubber or the flue gas desulfurization technique, sulfur dioxide can be removed. It involves spraying flue gas with the limestone and water. चूने के साथ एंड पानी के साथ फ्लू गैस को उस पर डाला जाता है। तो ये है कि कार्बन एमिशन को कम करने की टेक्निक है और इंडिया इसमें बहुत सारा अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो IPCC बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है और उसमें बोला जा रहा है कि हम 2030 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का प्रोग्राम पे चल रहे हैं और हम कुछ हद तक इसमें हमने कमिटमेंट नहीं किया कि जीरो एमिशन होगा हमारा, बट हम कह रहे हैं कि हम 40% तक कम कर देंगे 2030 तक और हम इसमें बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बल्कि डेवलप कंट्रीज़ में अच्छा नहीं कर रहे हैं। 16th क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द ईस्टर्न कोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ईस्टर्न कोस्ट के बारे में फर्स्ट है इट इज़ एमरजेंट इन द नेचर हैज़ बॉर्डर प्लेन्स एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो अपने नेचर में क्या एमरजेंट है आगे बढ़ने वाला मतलब, और द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो वेस्ट कोस्ट है वो कम फैल रहा है और ईस्ट कोस्ट फैल रहा है। सेकेंड है इट इज़ द मोस्ट आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्ट, आइडियल है पोर्ट्स के लिए। थर्ड है मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर हैंडल्ड थ्रू देम, तो 50% से ज़्यादा इंडिया जो मर्चेंडाइज है उनके द्वारा हैंडल किया जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि ईस्टर्न कोस्ट ही मतलब 50% मर्चेंडाइज को हैंडल कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एमरजेंट कोस्ट आर फॉर्म्ड आइदर बाय एन अपलिफ्ट ऑफ द लैंड, तो लैंड ऊपर होगी तो एमरजेंट कोस्ट रहेगी। द लोअरिंग ऑफ द सी लेवल, सी लेवल नीचे रह जाएगा, ऊपर उसको मान लो मिट्टी डाल के वैसे या ऊपर आ जाता है तो उसको एमरजेंट बोलते हैं, ऊपर बढ़ रहा है। The eastern coast is emergent in nature, the in comparison to the western coastal plains. The eastern coastal plain are broader. हम इससे आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि जो कोस्ट हैं मान लो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, तो सारी नदियाँ इधर से इधर बहती हैं क्योंकि ढलान से नीचे की तरफ तो जाएंगी, इसलिए ये एमरजेंट कोस्ट है इसके कंपैरिजन में ये ऊंचा है, मतलब यही बात है। दिस इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड डेल्टाज फॉर्म्ड द रिवर्स फ्लोइंग ईस्टर्न इन द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में मान लो जो डेल्टा बन रहे हैं ये इसलिए हो रहा है कंपैरिजन टू दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर ब्रॉडर, तो वो चौड़ा है उसका कटाव हो रहा है क्योंकि नदियों के डेल्टा बन रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्ट सबमर्जेंट कोस्ट लाइन इज आइडियल। सबमर्जेंट कोस्ट लाइन मतलब पोर्ट कहाँ बनेंगे, बंदर कहाँ बनेंगे, जो पानी में डूबा हुआ होगा। सिंस ईस्टर्न कोस्ट लाइन इज एमरजेंट इन नेचर द ईस्टर्न कोस्ट इज नॉट आइडियल फॉर द पोर्ट कंस्ट्रक्शन। तो आपके इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ ज़्यादा पोर्ट बने हुए हैं, इसलिए ये वहाँ पोर्ट के लिए ईस्टर्न ज़्यादा अच्छा नहीं है, वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा बने हुए हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सबमर्जेंट कोस्ट लाइन। तो वेस्टर्न कोस्ट है सबमर्जेंट कोस्ट लाइन की कैटेगरी में आता है। बिकॉज ऑफ दिस इट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन क्या है, सबमर्जेंट कोस्ट लाइन है, अंदर डूबा हुआ पानी में। बिकॉज ऑफ दिस इट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट पोर्ट्स एंड हार्बर्स। कांडला, मारमा गोवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मारमा गोवा, मैंगलोर, कोचीन आर दी सम पोर्ट इंपोर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट। मेजोरिटी ऑफ द इंडिया मर्चेंट एक्सपोर्ट्स आर हैंडल थ्रू दी पोर्ट्स फ्रॉम दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, नॉट ईस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट से, यहाँ से ज़्यादा आपके पोर्ट बने हुए हैं। आपको पता है कि इस साइड में ही ये जो मैंगलोर, मारमा गोवा वगैरह है, तो ये पोर्ट अच्छे कामयाब हैं। यहाँ पे डेल्टा है, कम बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। एसेंशियल कमोडिटी मतलब जो आपकी काम की चीज़ें रहती हैं, जैसे मास्क वगैरह आपको एसेंशियल कमोडिटी में, या आप फार्मर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही एसेंशियल कमोडिटी में डालने की भी बात है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू डिजिग्नेट सर्टेन कमोडिटी एज एसेंशियल कमोडिटी, मतलब जिनका होर्डिंग कर सकते हैं एसेंशियल कमोडिटी का। सेकेंड है, इट मैंडेट्स दैट इम्पोजिशन ऑफ द स्टॉक लिमिट्स ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मस्ट बी बेस्ड ऑन देयर प्राइस राइज। तो प्राइस राइज पे ही उनका होर्डिंग्स कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर बी है। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। ये किसकी पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, टू डेजिग्नेट सर्टेन कमोडिटीज सच एज फूड आइटम्स, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज ए एसेंशियल कमोडिटी। जैसे ही फूड आइटम है, फर्टिलाइजर है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटी में डाल देते हैं। दिस प्रोविजन इज नॉट चेंज एज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 2020 में ये प्रोविजन चेंज नहीं हुआ एसेंशियल कमोडिटीज़ में, वही जो 55 का चला जा रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट और प्रोहिबिट द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी। द एक्ट प्रोवाइड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट द सप्लाई ऑफ certain commodities only under extraordinary circumstances. This includes war, famine, extraordinary price rise and natural calamity of the grave nature. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है उसको। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द एक्ट मैंडेट्स दैट इम्पोजिशन ऑफ द स्टॉक लिमिट्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्राइस राइज। प्राइस राइज पे ही होना चाहिए। स्टॉक लिमिट में भी इम्पोज ओनली इफ, कब स्टॉक इम्पोज किया जा सकता है? 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब जो आपके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके अगर 100% राइज हो गया तो फिर उस पर लिमिट को इम्पोज किया जा सकता है, नहीं तो वो होर्डिंग कर सकते हैं। ये 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड, मान लो नॉन पेरिशेबल जो नष्ट नहीं होते हैं एग्रीकल्चर फूड्स हैं, जैसे आपके गेहूँ वगैरह हैं, तो उनमें 50% वृद्धि हो जाए ब्याज में, तो उसके इंटरेस्ट में, तो उसको होर्डिंग करने की लिमिट लगाई जा सकती है। The increase will be calculated on the basis of the price prevailing immediately preceding 12 months or the average retail price of the last 5 years, which is lower. या तो 12 महीने का कैलकुलेशन कर लेते हैं या 5 साल का एवरेज निकाल लेते हैं। उस प्राइस से अगर 50% गेहूँ वगैरह का ज़्यादा प्राइस हो गया तो आप होर्डिंग की लिमिट लगा सकते हैं, उस पर इम्पोज कर सकते हैं। और अगर उसका 100% राइज होगा पेरिशेबल कुछ आइटम है, खाने वाले, फर्टिलाइज़र वगैरह, तो उसमें लगा सकते हैं। तो इसमें फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप मान लो बड़े बड़े व्यापारी हैं कि होर्डिंग कर सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पेंटिंग्स इन द मेडिवल इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेंटिंग्स के बारे में स्टेटमेंट है। मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत के बारे में। द टेक्निक ऑफ द फोर्स शॉर्टनिंग वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। फोर्स शॉर्टनिंग की प्रैक्टिस है दिल्ली सल्तनत पीरियड में आई थी क्या। सेकेंड है, द पेंटिंग्स ऑफ द हमजमनामा वर कमीशन्ड बाय द अकबर। जो हमजानामा जो प्रैक्टिस है कमीशन की गई थी अकबर के द्वारा। थर्ड है जहांगीर इंक्रीज द यूजेज ऑफ द गोल्ड सिल्वर्स इन द पेंटिंग, पेंटिंग्स में गोल्ड या सिल्वर यूज किया था जहांगीर ने। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है थर्ड ओनली। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द टेक्निक ऑफ द फोर शॉर्टनिंग इन इंडिया पेंटिंग्स वार इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग मुगल इरा, नॉट द दिल्ली सेंट्रल, मुगल इरा में आया था। अंडर दिस टेक्निक ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन इन ए वे दैट दे अपियर क्लोजर एंड स्मार्ट देन दे रियली वर, छोटे दिखें और नज़दीक दिखें। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द Akbar commissioned the illustration of the several literary and religious texts. One of the most important literary works, Hamzanama, which consisted of the around 1400 painting. तो हमजानामा को कमीशन किया गया था अकबर जी ने। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। It was Shahajahan who introduced artificial elements, increased the use of gold, silvers in the paintings. Jahangir preferred naturalistic depiction of the painting. जहांगीर ने नेचुरल और शाहजहाँ ने आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द लैप्सिंग ऑफ द बिल्स अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिल लैप्स कैसे होता है उसके बारे में स्टेटमेंट है। और फ्रेंड्स, मैंने ये अपने पहले वीडियो में सब्जेक्ट वाइज जो हैं उनमें कवर कर चुका है। अगर आप नहीं देखें तो आप देखो, तभी यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने में अच्छा मज़ा आएगा। फर्स्ट है, ए बिल पास बाय द बोथ हाउस बट रिटर्न बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द लैप्स। लैप्स हो जाता है क्या वो? मान लो आपकी लोकसभा उस टाइम पे सेशन ओवर हो गया तो लैप्स हो जाएगा क्या रिकन्स्ट्रक्शन के लिए अगर प्रेजिडेंट भेज देता है। सेकेंड है, ए बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा डज नॉट लैप्स। पास कर दिया लोकसभा ने, पेंडिंग है राज्यसभा में तो लैप्स नहीं होगा। थर्ड है, ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। राज्यसभा में पेंडिंग है कोई बिल और लोकसभा ने पास नहीं किया तो क्या लैप्स नहीं होगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। डिसोल्यूशन में जो हाउस क्या है एंड होता है, वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। जैसे मानसून सेशन है ये खत्म होता है तो, या कोई है समर सेशन है। न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शन। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू द डिसोल्यूशन, इज परमानेंट है। आपको पता राज्यसभा 2/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर लेते हैं। डिजोल्व ऑल पेंडिंग बिल्स बिफोर इट लैप्स। तो लोकसभा इज डिजोल्व, व्हेन द लोकसभा इज डिजोल्व ऑल पेंडिंग बिल्स बिफोर इट्स लैप्स। अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो सारे लैप्स होंगे। दे मस्ट बी री इंट्रोड्यूस इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा टू परस्यू फर्दर। हाउएवर सम पेंडिंग बिल्स डू नॉट लैप्स द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। कुछ बिल पेंडिंग हैं तो वो नहीं होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द बिल पास बाय द बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डज नॉट लैप्स। अगर प्रेजिडेंट ने वापस भेज दिया रिकन्स्ट्रक्शन के लैप्स नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेज। मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, पेंडिंग है राज्यसभा में तो लैप्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है बट नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। तो पेंडिंग और राज्यसभा में ही है, लोकसभा ने पास नहीं किया है तो लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements with respect to the dieback mechanism in the plants. Dieback mechanism plants में है। First है, it is an adaptive mechanism in plants to avoid adverse condition like drought. ये एक adaptive mechanism है plants में, जो adverse condition लेके सूखा पड़ गया तो उसके लिए dieback mechanism बोलते हैं क्या। Second है, it involves progressive dying usually from the tip of any portion of the part. मतलब आराम से मरता बंदा, मतलब पेड़ टिप से जो हर पोर्शन तक। थर्ड है, इन द मैकेनिज्म द रूट्स डाई बट शूट्स अबव रिमेन अलाइव फॉर द ईयर टुगेदर। जड़ मर जाती हैं, ऊपर का पेड़ ऐसे ही रहता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका आंसर सी है। स्टेटमेंट वन करेक्ट है। डाई बैक मैकेनिज्म इज ए वन ऑफ द एडप्टिव मैकेनिज्म इन प्लांट्स टू अवॉइड एडवर्स कंडीशन लाइक ड्रोट, सूखा पड़ गया। इट कैन आल्सो बी कॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्यू टू नेमाटोड्स, स्टेम और रूट्स, बोरिंग इंसेक्ट्स। जब मान लो रूट में ही कुछ कीड़े चले जाएं वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैकेनिकल डैमेज है, विंटर इंजरी फ्रॉम द कोल्ड, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा होती है, उससे बचाने के लिए है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव डाइंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स यूजुअली बैकवर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप टू एन्यूपर्सन ऑफ द प्लांट्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इन द मैकेनिज्म द रूट रिमेन्स अलाइव फॉर ईयर्स टुगेदर। जो रूट्स हैं बहुत जिंदगी तक जिंदा रहती हैं, बट सूट्स अबव द सोल सरफेस डाई। ऊपर का पेड़ मर जाता है, जड़ बहुत दिन तक जिंदा रहती हैं, डाई बैक मैकेनिज्म है ये। आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। एंड आप ट्राई करते रहिए, मॉक टेस्ट ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि आप रियल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा जब पेपर में बैठोगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।